वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम। कैसे हैं आप सब? तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है हमारे बीकॉम सोल स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम पार्ट फर्स्ट का, जिनका एग्ज़ाम है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, यानी सिंपल वर्ड में बोला जाए तो लॉ का एग्ज़ाम है। एंड इसका पेपर कोड है A103। तो आज इस वीडियो में मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। बट उससे पहले लाइक कर दे एंड सब्सक्राइब जरूर करे चैनल को अगर नहीं किया अभी तक, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड आप अपने दोस्तों तक पहुँचा दें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। तो देखा जा सकता है बीकॉम पार्ट फर्स्ट का है सोल्ड यू स्टूडेंट्स एजुकेशन जिम, यानी मेरे चैनल का नाम, पेपर कोड A103, पेपर टाइटल है बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ, यानी लॉ का पेपर। 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ए एंड बी क्वेश्चन दिया जाता है, लाइक फर्स्ट में है तो ए एंड बी होगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा एंड उसमें ऑप्शन भी होगा आपको और लगा के आपको अगला ए एंड बी क्वेश्चन दे देगा। अगर आपको ऊपर वाले 2 आते तो वो कीजिए, नहीं आता तो नीचे वाले 2 कीजिए। जो ए क्वेश्चन होता है वो होता है 10 मार्क्स का एंड अनदर जो बी पार्ट होता है वो होता है आपके 5 मार्क्स के। ओके, तो इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो चलते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो बता रहा हूँ क्वेश्चंस इतना आप कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पता होगा आपको क्वेश्चन कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं बट सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और इसके एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, कॉन्ट्रैक्ट है, मीन्स आपको पता ही होगा कुड क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न, याद होगा आपको। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ये क्वेश्चन जरूर करें, और इस स्टेटमेंट को आप कैसे पूरा एक्सप्लेन करते हो वो बताना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट है, इलीगल एग्रीमेंट, इफेक्ट ऑफ इलीगल एग्रीमेंट ऑन कोलेट्रल ट्रांजेक्शन, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हेन डज द इंडेमनिटीज लायबिलिटी कमेंस, सब एजेंट एंड इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टुवर्ड हिज प्रिंसिपल, एक एजेंट का क्या ड्यूटीज़ है उसके प्रिंसिपल के रिगार्डिंग, और उसके राइट्स क्या क्या हैं ये बताना है, एजेंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, और ये कैसे और कब रिवोक्ड किया जाता है, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स क्या है, राइट्स क्या हैं उसके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मींस इम्प्लाइड कंडीशन क्या है सेल ऑफ गुड्स के अंदर। ठीक है, चेक क्या होता है, और ये जरूर कर ले कि क्रॉसिंग चेक क्या होता है। ठीक है, एंड देन वेरी डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, ये चेक जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग क्यों है, इंडोर्समेंट क्या है, उसके डिफरेंट काइंड्स क्या है, कंडीशंस फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीचे, एंड देन 2 शॉर्ट नोट दिया है, आप इन दोनों को कर लो, एक प्रॉमिसरी नोट इन इन शॉर्ट इंस्ट्रूमेंट एंड जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके मीन्स डिफरेंस बताना होता है वो कर ले आप, इन चारों को, कोएर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है यानी थ्रेटन, ये सारे, सब एजेंट एंड ए सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या है, सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टिंग्विश ये बताना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ, बट उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में डालें जिसको इसके सॉल्यूशंस चाहिए, आंसर्स चाहिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी इसके सॉल्यूशंस लाने की ट्राई करूँगा, एंड जहाँ तक है कि मैं 2-3 वीडियो के बाद इसका वो भी कर दूँ, सॉल्यूशंस भी ला दूँ, बट एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लाऊँगा। बट आप कमेंट में ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।